नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। मुजफ्फरपुर समेत उसके आसपास के तमाम ज़िलों में AES यानी कि एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम्स बीमारी पैर पसार चुकी है। 170 बच्चों ने अभी तक अपनी जानें गंवाई हैं। इस बीच मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें आप अपने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें भगवानपुर के हरिवंशपुर की है। वहाँ पर पप्पू यादव पहुँचे और उन्होंने डॉक्टरों के साथ उस गांव में कैंप किया और पप्पू यादव ये लगातार कह रहे हैं कि वो 7 दिनों तक कैंप करेंगे। इस दौरान जो राहत सामग्री होगी, इस दौरान जितनी भी तरह की मदद होगी वो उस गांव के लोगों को मुहैया कराएंगे। आप सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हम लगातार गाँव कैंप करने जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स यहाँ कैंप करेंगे, दवाई और जिसकी जरूरत हम लगातार कैंप करेंगे 7 दिनों तक, जब तक ये, और कुपोषण के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये कुपोषण को जड़ से हम खत्म नहीं कर देंगे। हमारी लड़ाई राजनीति नहीं है, हमारी लड़ाई जल्लादों के खिलाफ जो मानवीय आपदा लेकर के आया है और गरीबों के साथ मौत का नंगा खेल खेला है उसके खिलाफ। तो आपने सुन लिया, कह रहे हैं कुपोषण के शिकार हैं जो यहाँ के जो बच्चे हैं। सरकार दावा करती है लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उस गांव में जाने के बाद वो पता चली। उसके बाद जो उनके साथ डॉक्टर पहुँचे थे उनका बयान भी आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि 90% 90% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। देखिए, यहाँ जो भी बच्चे को हम लोग देखे 90% बच्चे जो है कुपोषण से शिकार है, यानी न्यूट्रिशन डिफिशेंसी जो होता है उसके वजह से ही जो है ना इस तरह का जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो भी परेशानी है, ये सिर्फ कुपोषण की वजह से है। यानी जितने भी बच्चे हैं सब जनरलाइज वीकनेस जिसको बोलते हैं, यानी माल न्यूट्रिशन सही से उसका जो है ना टाइम से भोजन नहीं मिलना या अच्छा खाना नहीं मिलना, जिसकी वजह से जो है ये जितने भी बच्चे हैं सब बहुत ज़्यादा वीक और कमजोर रहते हैं। तो आपने सुन लिया, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जो 90% बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। और आपको पता होगा कि कुपोषण सबसे बड़ा जड़ है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि चमकी बुखार का। जब आपका इम्यून सिस्टम ही मजबूत नहीं होगा तो फिर बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत कम होगी। कुपोषण की वजह से बच्चों को ये बीमारी जल्दी लग जाती है और ख़ास करके जो आंकड़ा सामने आया है कि 80% बच्चे जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम्स के शिकार हुए हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उनके परिवार में इतनी सहूलियत नहीं है कि वो उनको कुपोषण से बचा सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश सरकार दावा कर रही है कि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद कदम उठाए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब आप जाएंगे तो उसकी हकीकत आपको मालूम पड़ेगी कि जो दावे हैं उससे सच्चाई बिल्कुल ही इतर है। पप्पू यादव ने ठान ली है, वो लगातार गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और दौरा करने के साथ साथ अपने साथ एम्बुलेंस, डॉक्टर और राहत सामग्री सब कुछ ले कर चल रहे हैं। किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जिसकी ज़रूरत होगी वक्त पर मौके पर मुहैया कराया जा रहा है। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, और भी क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आते हैं हम आपको वो भी सबसे पहले देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ख़बरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।